नोटिफिकेशन बेल दाबून लाईक कमेंट आणि शेअर करा। अब मैं उस शख्स को, उस दृष्टिकोण को, उस दृढ़ विश्वास को, उस आत्मविश्वास को बुलाना चाहूंगा इस उम्मीद के साथ, अब न बारिश थमेगी न तूफान रुकेगा, इशारों से मेरे ये सुरल डलेगा, पिघलता लावा है सीने में मेरे, जो आंखों में आया तो ये जहां भी जलेगा। मैं बुलाना चाहूंगा पहचान सम्मान और नाम आवाज रविश कुमार साहब, जोरदार तालियों के। जय भीम, 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 जय हिंद। इसलिए कहा कि हम सब आज एक सिपाही की स्मृति सभा में जमा हुए हैं। मधुकर राव जी को मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि। आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि बाहर नागपुर के सारे संतरे मीठे हो गए। मिठास प्यार से ही आती है, तकरार से, हिंसा से नहीं आती। प्रशांत जी, बागड़े साहब, माता जी, और मैं बहुत कम ऐसे अफसरों को जानता हूं जिनकी पीठ के भीतर एक रीढ़ है। संदीप जी, आप सबकी अभ्यासिका, जिसकी वजह से मुझे यहां आने का मौका मिला। नाम भी बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है। ये नाम हम सबको याद दिलाने के लिए है कि हम जो भी जानते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करना जानते हैं, उसका समय समय पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभ्यास करना छोड़ देंगे तो सब कुछ तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगा। हम सब बाबा साहब अंबेडकर को बहुत आदर से याद करते हैं। उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, कितना कुछ लिखा गया, उन्होंने खुद बहुत कुछ लिखा, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि अंबेडकर होने का मतलब क्या है, अंबेडकर होने का इतना ही मतलब है, लाखों करोड़ों की भीड़ के सामने अकेला खड़ा हो जाना। जो अफसरान आज नहीं आ सके वो अंबेडकर का मतलब नहीं जानते थे। अगर वो बाबा साहब की जिंदगी के बारे में जानते तो उन्हें ये पता होना चाहिए था कि डॉक्टर अंबेडकर का मतलब निर्भय होना है, और निर्भय होने की कुछ बुनियादी जरूरतें हैं, उनमें से एक है जानना, जानते रहना। आप उनकी जिंदगी में झांक कर देखिए तो कितने सारे विषय मिलेंगे, कितना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कितना कुछ बोला हुआ मिलेगा। वो लगातार जानते गए और जो जान रहे थे उसे आजमाते गए, इसीलिए वो डॉक्टर अंबेडकर बन पाए। और जिस हालात में बने, उस हालात में उनके लिए क्या था, उनके लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उस साहस के जो उन्हें पूरी भीड़ के सामने अकेला
कर देती है। ये अंबेडकर के होने का मतलब है। हमने डॉक्टर अंबेडकर को गवा दिया है। हम उन्हें जानते हैं मगर उन्हें जानने का अभ्यास नहीं करते। हम उनका लिखा पढ़ते हैं मगर लिखा हुआ आजमाने का अभ्यास नहीं करते। अगर हम कर रहे होते तो आज ये तरह तरह की बुजदिली हम पर हावी नहीं हुई होती। आप सोच कर देखिए, सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख अगर अकेले चलने से डर गई होती तो आज हम इन 50 लड़कियों को स्कॉलरशिप भी नहीं दे पाते। उनका जीवन क्या है? उनका जीवन यही है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तभी उसी वक्त आप अपने इरादे पर चलने के लिए कदम बढ़ा दें। जो कदम पीछे खींच लेते हैं वो अपने साथ, अपने वर्तमान के साथ और इतिहास के साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं। हमने चलना छोड़ दिया है, हमने घर से निकलना छोड़ दिया है और इसीलिए ना जानने की वजह से, ना चल पाने की वजह से, ना निकल पाने की वजह से हम तरह तरह के डर के शिकार होते जा रहे हैं। इस सभा में शुभमूर्ति जी हैं, उनकी पत्नी कल्पना शास्त्री जी हैं। कल्पना जी यहां से बिहार गई, शुभमूर्ति जी ने, दोनों ने मिलकर बिहार के मुसहरों के लिए बहुत काम किया, बहुत लोगों के बीच में समझदारी बनाई, उस समाज के भीतर समझदारी बनाई, उनके हक की लड़ाई लड़ी। ऐसे अकेले लोग कम दिखाई पड़ने लगे हैं। एक तस्वीर के पीछे जमा होने वाले लोगों की भीड़ को हम इस भ्रम में ना समझें कि वो सब अंबेडकर वादी। अंबेडकर ने कहा था कि हम नायकवाद और जो बाद में जाकर अधिनायकवाद में बदल जाता है उसका विरोध करते हैं। ये क्यों कहा था? क्योंकि अंबेडकर ने अकेले चलते हुए देखा था कि बहुत सारे हीरो हो गए हैं जो अपने संसाधनों पर एकाधिकार के कारण और ज्ञान भंडार पर पहले से मिले अधिकार के कारण उनको चलने से रोकते हैं। वो जानते थे कि ऐसे हीरो आने वाले समय में अगर महाहीरो बनते चले जाएंगे तो जो कमजोर लोग हैं वो अकेले नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा किसी को नायक मत बनाओ, किसी को हीरो मत बनाओ, और उसी को मैं सरल शब्दों में कहता हूं, किसी का फैन मत बनना। वरना आप तरह तरह के डर के शिकार हो जाएंगे। बाबा साहब की पूजा तो करेंगे मगर उनके उसूलों के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो जो आप जानते हैं, जिसे आप मानते हैं, उसके लिए अपने आप को छोड़िए। उन्हें तस्वीरों से निकाल कर और उनके साथ आप सड़क पर आइए। बहुत जरूरी है कि आप उन आदर्शों के लिए एक बार फिर से संघर्ष करें, क्योंकि उन्हीं संघर्षों के नतीजे में आप सब यहां पहुंचे हैं। वरना समाज में प्रगतिशीलता इतनी गहरी नहीं हो पाती। आज उस पर फिर से हमला है और उसको बचाने की शक्ति जहां से भी मिले वो शक्ति ले लीजिए। जिस तस्वीर से मिले, जिस नाम से मिले वो ले लीजिए, लेकिन इरादा बाबा साहब अंबेडकर की तरफ कर लीजिए कि लोग आप पर कीचड़ फेंक रहे हों, लोग आपको मकानों से निकाल रहे हों, दुकानों से निकाल रहे हैं, लेकिन ना जानने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारे भारत में ज्ञान की असमानता बहुत गहरी है और हम ज्ञान की असमानता की पहचान नहीं कर पाते। लगातार दिनों दिन जो नॉलेज की इनइक्वालिटी है वो गहरी होती चली जा रही है और नॉलेज की ये इनइक्वालिटी पैसे से पूरी नहीं हो सकती, आपकी गाड़ी के ब्रांड से पूरी नहीं हो सकती। इसे व्यवस्थागत रूप से इसे गहरा किया जा रहा है, इस खाई को। जो सरकारी स्कूल थे
जो पब्लिक के पैसे से चलते थे, हमने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। हमने खुद पब्लिक पॉलिसी से जुड़ना बंद कर दिया कि सरकार और सरकार की नीतियां सरकारी स्कूलों के लिए क्या है। हम सब ने उन प्राइवेट स्कूलों की तरफ रास्ता कर लिया जिनके नाम तो इंग्लिश मीडियम थे मगर जहां से निकले लोगों की ज्यादातर पैदाइश खराब अंग्रेजी बोलने वालों की है। ये वही कहते हैं जो इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल खोल कर बैठे हैं, वही कहते हैं कि आजकल लोगों की अंग्रेजी ठीक नहीं है। तो हमारी मातृभाषा पर भी हमला हुआ और हम छोड़ते चले गए, इसका नुकसान हुआ है। जो सहज बुद्धि सहज अनुभव आपके भीतर था वो आपने दिनों दिन उसको समाप्त होने दिया है और इसीलिए आप जड़ों से कटे हुए हैं। आपकी डिग्री भारी हो गई है, मोटी हो गई है, मगर आप मूलतः डरपोक हो गए हैं। इस प्राइवेट स्कूल ने आपको एक लालच दिया और हम सब उसके शिकार हुए। जब मैं स्कूल सीरीज कर रहा था तो कई तरह की शिकायतों को पढ़ रहा था। अच्छे भले संपन्न ताकतवर लोग, आर्थिक राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर ताकतवर लोग स्कूलों के शोषण का विरोध नहीं कर पा रहे। वो बटन के भी 150 दे रहे हैं, स्कूल तय कर रहे हैं कि आप किस ब्रांड का जूता खरीदेंगे और जब तक फीस बढ़ा दे रहे हैं। बदले में प्राइवेट स्कूलों ने भी बहुत क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिए। 90 के बाद से सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, 2-4 को छोड़ दें तो कोई किसी लायक नहीं है। लेकिन हम इस सवाल को छोड़ना सीख चुके थे, हम संविधान की जो भावना है उसे दूर जा चुके थे। तभी हमने अपनी पीठ के पीछे स्कूलों को, पब्लिक एजुकेशन को छोड़ दिया और इन प्राइवेट स्कूलों के आने के बाद ये ज्ञान की असमानता और गहरी होती चली गई। कमजोर नागरिक पैदा किए गए, उन्हें यह बताया गया, उन्हें यह नहीं बताया गया कि तुम जो भी हो इस भारत में, भारतीय कहलाने का जो भी तुम्हारा हक है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी गारंटी संविधान देता है, किसी और चीज से नहीं है। हम संविधान की इन भावनाओं से दूर चले, इसलिए हम कमजोर हो गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आपके जानने वाले बहुत से लोग बैंकों में काम करते होंगे, उनसे पूछिएगा। जब उन्होंने अपने बहुत सारे पीड़ाएं मुझे बताई तो मैंने एक लेख लिखा उन्हीं के भेजी हुई शिकायतों पर, उन्हीं के भेजे हुए दस्तावेजों के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा, बैंकों में ये कहा जा रहा है कि आपकी आपकी सैलरी भले ही 30,000 हो, 40,000 हो, लेकिन आप सबको 2,00,000, किसी को 1,50,000, किसी को 50,000 के शेयर खरीदने ही पड़ेंगे उस बैंक के। भले ही आपकी बाजार को समझने की बुद्धि सब में नहीं होती, लेकिन जिनमें होती है, हो सकता है कि वो उस बैंक का शेयर नहीं खरीदना चाहें, मगर सबको जो वो समझते हैं शेयर मार्केट के खेल को उन्हें भी, और जो नहीं समझते उन्हें भी मजबूर किया जा रहा है कि आप 1,00,000-2,00,000 का शेयर खरीदें। पैसा नहीं है तो कहा जा रहा है कि आप उसी बैंक से खरीदें। ये लोगों ने शिकायतें की और जब मैंने लिख दिया कि बैंकों के भीतर गुलामी की प्रथा पनप रही है तो मैसेज आया कि आप बहुत सही कह रहे हैं। मैं बहुत दुखी हो गया, ये संविधान के साथ धोखा है कि हम उससे मिले हुए अधिकारों के रहते हुए ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप बहुत सही कह रहे हैं कि हम गुलाम हो चुके हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ना तो अपनी भारतीयता का आदर करते हैं ना संविधान के बारे में जानते हैं। अगर जानते तो बैंकरों की समुदाय, उनका समुदाय 20,00,000, अगर 20,00,000 25,00,000 लोगों का समुदाय शून्य में बदला जा सकता है, लाखों करोड़ों परिवारों को प्राइवेट स्कूलों में डालकर निकाल दिए जाने के भय से उन्हें ऐठा जा सकता है, तरह तरह के बहाने से पैसे लिए जा सकते हैं, तो ये मुमकिन है कि इसी व्यवस्था में जो हमसे वादा करती है, जो हमसे कहती है कि हम बाजार की व्यवस्थाएं हैं और हम सबको बराबरी से खेलने का, इसमें भागीदारी का मौका देते हैं, हम ये उससे वादा खिलाफी है।
ये हमको समझना पड़ेगा कि हम दिनों दिन हर पल हर घंटे अपनी भारतीयता अपनी नागरिकता गवाते जा रहे हैं, न जाने किस डर की वजह से। उस डर से आपको आजादी मिली होती तो मिल चुकी होती। अपने आसपास की डराने वाली शक्तियों को पहचानिए और उनको दूर कर दीजिए, चाहे उनके पास लाठी हो, डंडा हो और करोड़ों लोगों की भीड़ हो। इन डराने वाली शक्तियों से आजादी पाने का वक्त है और ये संघर्ष बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है। समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे साथ, क्यों हम अपनी आवाज, क्यों हम अपनी बुलंदी गवाते जा रहे हैं, क्यों एक कार्यक्रम में आने के लिए डर पैदा हो जाता है। मैं जब नागपुर के लिए चला तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा, नागपुर जा रहे हो, संभल कर रहना। मैंने कहा कि तुम्हें उस नागपुर के बारे में पता है जो अखबारों में छपता है, उस नागपुर के बारे में पता नहीं जो दीक्षा भूमि में हर दशहरे को दिखता है। तो मैं उस नागपुर में आया, ये डर है। हम सब एक दूसरे को डर दे रहे हैं, मत जान, कुछ हो जाएगा। आप मुझे डर दे रहे हैं, मैं किसी और को डर दे रहा हूं। ये डरों का ट्रांसफर चल रहा है इस देश में। कोई वजह नहीं है कि हम इस वक्त में डरे। कारण एक है कि हम अपने अधिकारों को कम जानने लगे, हम अपने इरादों को, अपनी संभावनाओं को कम पहचानने लगे। इतना नहीं डराया जा सकता किसी को कि बोलना, मैं क्या बोलता हूं, बहुत साधारण सी बातें बोलता हूं। कोई झूठ बोलता है तो झूठ पकड़ लेता हूं, इतना ही तो करता हूं और इतना सब आप सब अपने अपने जीवन में करते होंगे। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि मुझे डर जाना चाहिए? आप बताइए, डर जाना चाहिए? मगर हिंदुस्तान का मीडिया डर गया दोस्तों। जो खुद को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहता था, वो खंभा लाठी की डर से डर गया। पैसे की लालच के आगे बिक गया। आपके नाम से रेशम बाग में हड़कंप मच गया है। नहीं मचने दीजिए, मैं सिर्फ संतरे के बाग के बारे में जानता हूं। हमें फिर से एक ऐसा समाज बनाना है, बनाना ही पड़ेगा, वरना हमारे बच्चे डर के माहौल में, नुकसान किसका होगा? जो पहले से हाशिए पर हैं इस डर से, वो ज्यादा कीमत चुकाएंगे। सवाल मेरा नहीं है, मेरे जैसे लोगों को दो सेकंड के अंदर वो निपटा सकते हैं, नौकरी से लेकर तमाम जगहों से। पता चला यूट्यूब से भी नहीं पहुंच पा रहा, पॉडकास्टिंग भी बंद हो गई। तो उस डर से हम सबको आजादी हासिल करनी है। एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए। जो आपसे असहमति रखता है लेकिन डरा हुआ है, उसको भी मदद कर दीजिए। हमसे रखो असहमति मगर हमसे मत डरो, और तुम अगर डरा रहे हो तो हम तुमसे नहीं डरेंगे। और ये डराने की जो भावना है, इसकी फैक्ट्री कहां से आई? न्यूज चैनल से आई, जहां रोज असहमति को एक नया नाम देकर डराया जाता है। रोज सवाल करने को आपको बता दिया जाता है कि आप देशद्रोही। हमारा सैनिक इसलिए जान नहीं देता कि सीमा के भीतर के लोग इतने बुजदिल हो जाएंगे कि सवाल भी नहीं कर पाएंगे। हमारा सैनिक इसलिए जान देता है कि सीमा के भीतर के लोग उसी तरह से बेखौफ होकर जैसे वो गोली खा गया,
लोग सवाल पूछते रहे। सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इससे ताकत आती है। आप जब सवाल पूछने चलते हैं तो सूचनाओं को जमा करते हैं, तरह तरह से जानकारियां जमा करते हैं, तब जाकर आप सवाल पूछते हैं। लोकतंत्र में नागरिक का दायित्व निभाने के लिए जानना और पूछना दो बुनियादी जरूरतें हैं। आप जब तक पूछेंगे नहीं आप जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं आप पूछ नहीं पाएंगे सही सवाल, तो सारा कुछ विरोध में चला जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। तो जानने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। आप किसी भी न्यूज चैनल को देखिए, एक हफ्ता तक देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये बता रहा है या कहीं और भटका रहा है। आप खुद तय कीजिए कि जो एंकर बैठा है उसके पास बताने के लिए कुछ है भी, क्या वो बहुत मेहनत से खोज कर लाया है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो वो रिपोर्टिंग करके लाया है उसमें मेहनत है या नहीं है, उसमें नई जानकारी है या नहीं है। अगर नई जानकारी वो नहीं दे रहा है, सिर्फ भटका रहा है, तो ये आपके वो वहां बैठकर आपके सामने आपको बिठाकर आपका, आपकी नागरिकता का, आपके नागरिक बोध का अपमान कर रहा है। आप अपने साथ ये अपमान मत होने दीजिए। ये जो रोज रात को जो चल रहा है टेलीविजन पे, और दिन रात जो चल रहा है, जिसमें एक भी फैक्ट अब वेरीफाई नहीं किए जाते हैं, इससे सतर्क रहिए। कम जानकारियों से लैस नागरिक समाज खतरनाक होता है, और कम जानकारियों से लैस नागरिक समाज को ही संकीर्णता, रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ा जाता है। बहुत आसानी से मोड़ा जा सकता है, और सांप्रदायिकता वो चीज है जो एक नागरिक को, जो एक इंसान को मानव बम में बदल देती है। तो इस प्रक्रिया को रिवर्स करने के लिए आपको जानने की प्रक्रिया की तरफ जाना पड़ेगा। हम सब इस मुगालते में हैं कि हम जान रहे हैं, लेकिन जिन माध्यमों से आप जान रहे हैं दरअसल वो तो आपको बता ही नहीं रहे। वो बताएंगे तब तो आप जानेंगे। कोई यूं ही झटके में आके नहीं कह दिया कि आप 2.5 महीने न्यूज चैनल ना देखें, नहीं, बहुत सोच समझ के अभ्यास के जरिए देखा है और महसूस किया है, और ये समझा है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये डब्बा जिसमें से जानकारी जमा करने का जो तंत्र होता है संवाददाताओं का, उसको ध्वस्त किया गया, और ये 4-5 बंदर किस्म के एंकर लाए गए, और ये एंकर बंदर को बंदरों की तरह हरकत तभी कर सकते हैं जब वो सूचना विहीन हो, जब उनके भीतर जानकारी नहीं। जानकारी जब आपके भीतर आ जाएगी तो इसका मतलब ज्ञान आ जाएगा, आप में गंभीरता आ जाएगी, फिर आप उदंडता के रास्ते पे नहीं जाएंगे। वो जिस तरह से भाषा बोली जा रही है, वो सवाल पूछने की हर छोटी छोटी संभावनाओं को हड़काने की भाषा है। मीडिया का काम है कि वो नई नई सूचनाएं आप तक पहुंचाए, और आपको सवाल पूछने के लिए, सवालों से नई नई जानकारी के लिए सक्षम करे। अफसोस है, मैं कहता हूं कि आप एक बार फिर से उसी अखबार को ध्यान से पढ़िए एक हफ्ते तक, जो उसकी पहली खबर है उसमें बताया जा रहा है या उसमें भटकाया जा रहा है। जो टेलीविजन के जो मुद्दे हैं वो एक ही भाव के आसपास हैं या नई नई खोज या सूचनाओं पर आधारित हैं, आप देखिए। अगर आपको लगता है कि ये तब भी देखा जाने लायक माध्यम है तो आपका फैसला सराखों पर, वरना मैं कहता हूं कि ये चैनल मत देखिए 2.5 महीने तक। वैसे भी आप साल में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर नहीं देखते, क्या फर्क पड़ जाता है। आप मत देखिए, ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, ये आपका आप अपमान
अपमान कर रहे हैं, आपके नागरिक बोध को कुचल रहे हैं। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। हमारे मीडिया, हमारा जो मीडिया है वो डरे हुए पत्रकारों का समूह बन गया है। हम सब आपको नहीं बचा रहे, अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं गोदी मीडिया के। तो जो अपनी नौकरी बचाने में लगा है, आप उसके साथ समय गंवाना छोड़ दीजिए, खुद स्वाध्याय में लगिए, अपने मित्रों से अपने सरकारी पब्लिक पॉलिसी के अनुभवों को जानिए, दूसरों को बताइए। कोई चारा आपके पास नहीं है, आप फंस गए। टेलीविजन और अखबारों ने जो ये कह के निकला था कि हम जगाएंगे लोगों को, उसने आपको फंसा दिया है। आप रोज ये बात टेस्ट कीजिएगा कि इन अखबारों और टेलीविजन के संपर्क में आने के कारण आप कितना कमजोर हो गए, क्योंकि वो सवाल नहीं करता। आपको लगता है आपके साथ कुछ हो जाएगा तो कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल नहीं करने का जो एक व्यापक माहौल बना है, उसको तोड़ने का यही एक रास्ता है कि जो सवाल नहीं करता है उससे हम मुंह मोड़ लें, और कोई लोकतांत्रिक रास्ता तो है नहीं। मीडिया के इस खतरे को समझना है कि जो संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है, वो रोज रात को आकर उस अधिकार में से बंटवारा करता है। वो बांटता है कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। इसकी कल्पना संविधान में नहीं, वो रोज रात को खुलेआम कर रहा है। इसका मतलब है कि उसे संरक्षण प्राप्त है, उसे कोई मान्यता दे रहा है, और जहां से उसे ये मान्यता मिल रही है, उसे अगर लोकतांत्रिक आदर्शों में यकीन होता तो वो खुद कहता कि ये कैसा मीडिया है, हमें ऐसा मीडिया पसंद नहीं है। किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए बुनियादी शर्त ये है, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, किसी को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, मगर सूचना ग्रहण करने के रास्ते को आप इस तरह से मरते हुए देखेंगे तो आप एक अच्छा सपोर्टर भी नहीं बन पाएंगे। क्या आप अंधेरे में रहकर किसी दल का समर्थन करना चाहते हैं, किसी राजनीति का समर्थन करना चाहते हैं? नहीं, इससे हम अपने नेताओं को कमजोर कर देंगे, हम खुद तो कमजोर हो ही रहे। तो मीडिया ने क्या किया कि जो समाज में व्यवस्था के कारण, सरकारी व्यवस्थाओं के कारण और सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ज्ञान की जो असमानता थी, उस असमानता को और चौड़ा किया है। सूचना ही नहीं है आपके पास, आपकी डिग्री भले अंग्रेजी की है पर सूचना नहीं है। तो वो आपको नागरिक के तौर पर परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं किया, अपने अपने जुगाड़ में है सब। तो टेलीविजन और अखबारों को बहुत ध्यान से देखिए, इसकी कमजोरी इस बात का प्रमाण है। बहुत कुछ खत्म हो गया है, होने वाला नहीं है, वो हो चुका है। इसीलिए हमारा माध्यम जो है वो तीन तीन हफ्ते, दो दो महीने तक पद्मावती फिल्म पर डिस्कशन करता है। उससे क्या मिला? दो चार पन्नों का कोटेशन लेके कर देने से परंपराएं पुनर्जीवित नहीं होती। यही करना था तो जरा ढंग से पढ़ के आते, पद्मावत को बांच देते टीवी पे। वो आपने नहीं किया। तो तरह तरह के बहाने ढूंढकर, इस ज्ञान की असमानता का लाभ उठाकर आपको रूढ़िवादिता की तरफ धकेला जा रहा है, कंजर्वेटिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी चुनाव से इसका फैसला हो जाएगा, नहीं। जब समाज में इतनी कमजोरी आ जाए और इतना भय आ जाए तो उसे एक स्वाभाविक स्तर पर लाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। एक वाइस चांसलर ने लिख दिया कि तोप चाहिए, टैंक, राष्ट्रवाद लाने के। 37,000 से ज्यादा कॉलेज है इस देश में, कितने टैंक लाएंगे आप? सेना का बजट गड़बड़ा जाएगा। कितने टैंक लाएंगे आप? तो सवाल क्या होना चाहिए था? सवाल यह होना चाहिए था कि गांव में, कस्बों में,
आप गढ़चिरौली के किसी कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, आप नागपुर के किसी